फेम से ज़्यादा मुझे इस चीज़ का अच्छा महसूस हो रहा है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत खुल गई हैं। इतना ज़्यादा प्यार एक्सपेक्ट नहीं किया। आप कैसे इन्जॉय कर रही हो नो द फेम काइंड ऑफ फेम कहते हैं ना एट द एज ऑफ 23 हाउ मच यू एन्जॉयिंग दैट यू नो आप हीरा मंडीला लला पता लेडीज वो कैसे। आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। फेम से ज़्यादा मुझे इस चीज़ का अच्छा महसूस हो रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत खुल गई हैं बिकॉज मैं हर बार से काम करने आई थी। सो आई थिंक मुझे ज़्यादा मज़ा ये आ रहा है कि मैं अलग अलग स्क्रिप्ट्स पढ़ पा रही हूँ, ऐसे ऐसे लोगों से मिल पा रही हूँ जो मुझसे बहुत सीनियर है, उनसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ और वो मुझे काफ़ी गाइड कर पा रहे हैं। एंड आई थिंक ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फेम तो एक एस्पेक्ट है, वो साथ साथ चल रहा है, बट आई थिंक मेरा मेन फोकस यही रहेगा हमेशा से कि कैसे मैं अच्छा काम कर सकती हूँ, कैसे मैं अच्छे लोगों से एसोसिएट हो सकती हूँ। I feel equally humble to be here. And as Pratibha said that we are meeting a lot of talented, amazing human. और जो कि इतने वाइस लोग हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखा ही रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आई थिंक काफ़ी सीखने को मिल रहा है, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड इक्वली जो ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, इतना ज़्यादा प्यार एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लापता लेडीज़ के बाद लोगों को इतने पसंद आ जाएंगे हम, तो वो थोड़ा सा लगता है कि यार इज़ इट फॉर रियल और इज़ इट नॉट, बट हाँ वो शांति से प्रोसेस करते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है।